बोलना चाहता हूँ। कल यहाँ की जनता का जो दिल में दर्द था, जो तकलीफ था, जो दुख था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। पौधवा अपने एक्स पे ट्वीट किया, पोस्ट क्या कर दिया कि मैं कारागार से चुनाव लड़ूंगा और हमारे समाज का, हमारे परिवार का जब पानी आशीर्वाद का सर पे बरसने लगा, मैं आज हिंदुस्तान भर से हेलीकॉप्टर कारागार में लैंड होने लगी। ऑफर भी मिला था, व्यवस्था भी कहा था कि यही हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अरे भैया, तो आपने कल क्यों नहीं किया? आज नहीं दिख रहा है क्या? जब पवन आ गया है तो और मेहनत नहीं हो रहा है यहाँ पर किसी से। ये जब मीडिया से कहा था कि देखते जाइए 4 तारीख को खेला होगा, अरे 4 तारीख को खेला तो हमारे भैया यहाँ बोला जा रहा है कि जितने नौजवान हैं वो पवन के पीछे, खेसारी के पीछे सेल्फी लेने के लिए पागल है। ये वोट नहीं है, मैं आपको बता दूं साहब जी, ये वोट नहीं है तो क्या है? एक कड़ाके की धूप में, की तपती गर्मी में देखा ही पन्ना ने मचल गई। लव यू। अभी साल पीछे ये निकल जाएगा। हमारे नौजवान भाइयों को लफुआ बोला जा रहा है। मैं अपने बड़े बुजुर्ग से, गार्जियन से, माई से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके बच्चे लफुआ है? क्या आपका बेटा लफुआ है? लफुआ पवन भैया से बहुत कुछ सीखा है, और मैं नहीं बल्कि मेरे से जितने भी भाई हैं हमारे छोटे, सबने सीखा है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। पवन एक इंसान ही नहीं, एक हवा है। पवन सिंह जी का भी आगमन हो गया।